नमस्कार दोस्तों, आप इंडियन मैन की इस वीडियो पर आपको स्वागत है। इस वीडियो में बियर्ड ग्रोथ अच्छी वॉल्यूम आने के लिए मैं एक टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ, वो है डर्मा रोलिंग। सो डर्मा रोलिंग क्या होता है, उसे कैसे करते हैं, मैं अब आप सबको दिखाऊंगा। ये है डर्मा रोलर, ऐसा पैकेज में मिलता है, मैंने अमेजोन में खरीदा था इसे, माइक्रो नीडल रोलर। इस डर्मा रोलर आप 0.5 mm ले बियर्ड के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डर्मा रोलिंग अपने बियर्ड के लिए और ऑल्सो आपके सिर के बाल के लिए कैसे करते हैं। वर्टिकल मूवमेंट ऐसा होता है, ऐसे आपको 10 बार करना है एक ही जगह पर। एक जगह हो गए 10 बार तो नेक्स्ट जगह, नेक्स्ट अगली स्टेप फेस की ऐसा करो 10-10 बार, ऐसा पूरे फेस आपको कवर करना है वर्टिकल। सो दोस्तों, आपको डर्मा रोलिंग हफ्ते में एक बार करना है, काफी है, और उस दिन आपको मिनोक्सिडाइल अपने फेस पर नहीं लगाना है, उस दिन काली छोड़ना है। मैंने आज अपनी मुस्तैच बियर्ड सब ट्रिम किया है, क्योंकि आप ज़्यादा लंबा बाल रखते हो और मिनोक्सिडाइल अप्लाई करते हो उसके ऊपर, तो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाता है आपका स्किन, क्योंकि बाल ही सारा मिनोक्सिडाइल ऑब्जर्व कर जाता है। सो इसलिए ट्रिम रखो, शेव मत करो, ट्रिम करो रेगुलरली और मिनोक्सिडाइल अप्लाई करते जाओ। पहला वर्टिकल हो गया, अब हॉरिजॉन्टल करो। यहाँ पे देख सकते हो मेरे चिन के नीचे वहाँ पे नया बाल आ रहा है। सो ये नीडलिंग करने से वहाँ पर होल हो जाता है और वो बाल आने के लिए आसान हो जाता है। हॉरिजॉन्टल हो गया, अब डायगोनल करना है। सो पहले ऐसे सीधा, देन हॉरिजॉन्टल, देन डायगोनल, ऐसा और ऐसा दोनों साइड। सो यहाँ पे फिंगर रखने के लिए इन्होंने बनाया है इस डर्मा रोलर को, यहाँ पर फिंगर रख के आप आराम से करो, चक्रित मिल जाता है। अब इस साइड हो गए, अब इस साइड डायगोनल करेंगे। ये चीज मैं सर पर भी अप्लाई करूँगा। डर्मा रोलर मेरे बियर्ड और सर के लिए सिर्फ नहीं, अपनी मुस्तैच अच्छी और अच्छी आने के लिए लगाता हूँ। मेरा मुस्तैच पहले से अच्छे थे, मगर मैं मिनोक्सिडाइल अपनी मुस्तैच के बालों पर, के बालों की जगह पर भी अप्लाई करता हूँ, वहाँ पे भी डर्मा रोलर कर सकते हैं आप। मेरा यहाँ पर इस रीजन पर मेरा मुस्तैच का बाल थोड़ा कम है, बाकी सारा जगह अच्छी थी, अब मेरा वॉल्यूम मुस्तैच का बढ़ गया है, तो ये अच्छी बात है। तो डर्मा रोलिंग करें तो और आप बाल आने के लिए जगह बना सकते हैं। तो सेम वर्टिकल 10-10 बार, सो ऐसा वर्टिकल करो, फिर हॉरिजॉन्टल, डायगोनल जितना हो सके आप करो, जितना पे जगह कम होता है। सो आप डर्मा रोलिंग करते हैं, पता नहीं वहाँ पर टच करके उस पर, इस डर्मा रोलर पर कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं, नॉर्मल स्किन पर भी बैक्टीरिया होता है, तो आप डर्मा रोलिंग सर पर भी कर रहे हैं। इसको आपको एक स्पिरिट में डुबाना है 5 मिनट तक के लिए, वो स्पिरिट है ये सर्जिकल स्पिरिट, आप किसी भी मेडिकल स्टोर में ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं, मैंने लिया था ये, सिर्फ 36 rupees में मिला मुझको। सर्जिकल टूल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इसी
ऐसे स्पिरिट्स को ले और स्पिरिट में हमारे डर्मा रोलर डुबाना है। मैं सोच रहा था कि कौन सी वेजल है जो ठीक रहेगा कि डर्मा रोलर ठीक तरीके से डूब जाए, जिसमें ज़्यादा स्पिरिट भी ना लगे, तो कम स्पिरिट में ही डर्मा रोलर की पूरी धुलाई हो जाए। ऐसा कौन सा वेजल है मैं ढूंढ रहा था। मेरे घर पर मैंने कप्स वगैरह, ग्लास, सब कुछ ट्राई किया, कुछ भी ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे एक दिन आइडिया आया, क्यों ना हमारी जो मिनोक्सिडिल की डब्बे की जो कैप है वही अच्छा वेजल होता है हमारे डर्मा रोलर को रखने के लिए और स्पिरिट अंदर डालने के लिए। सो स्पिरिट दोस्तों आपके हाथ के पास ना ले जाए, सो दूर से हैंडल करें। तो ऐसा मैंने डर्मा रोलर को अंदर रखा और स्पिरिट को अंदर डाला। तो इसी वजह है कि मेरे डर्मा रोलर वाइट वाइट पैचेस जो देख रहे हैं स्पिरिट की वजह से। तो इसको 5 मिनट तक आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसमें भिगा के रखना है। सो उसके साथ दोस्तों मैं अपनी बियर्ड और बाल की हेल्थ के लिए बायोटिन सप्लीमेंट लेता हूँ। इसको मुझे खुद डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया था। मैंने देखा है ऑनलाइन में कई सारे बायोटिन के प्रोडक्ट्स है, वो बहुत कॉस्टली होते हैं, अमेजोन वगैरह में मिलते हैं। मेरे हिसाब से आप ये अपने लोकल मेडिकल स्टोर में आप नाम देके मंगवा सकते हैं। सो ये है बायोटी 10, ठीक है, बायोटी 10 क्या होता है, 10 mg मिलीग्राम। सो एक टैबलेट में 10 मिलीग्राम की बायोटिन आपको मात्रा मिलती है हर एक टैबलेट में। सो मैं इसे हर दिन लेता हूँ। इस बायोटिन आप ले तो आपकी बियर्ड और बाल सबकी हेल्थ के लिए और नेल्स की हेल्थ के लिए सब कुछ अच्छा होता है। डर्मा रोलर को आपकी मिनोक्सिडिल की डब्बे की कैप में भिगा के रखें। तो उसके बाद निकालना है, निकाल के गर्म पानी में आपको उसे धोना है। धोकर वापस थोड़ा उसे ड्राई करके ऐसे हाथ में ऐसा हिला के, ये मेरा वीकली वंस प्रैक्टिस है दोस्तों डर्मा रोलिंग। मेरा दोस्त भी पूछ रहा था, कई सारे लोग की क्वेरी है क्यों हम डर्मा रोलर डेली ना करें। ये सिंपल साइंस है, मैंने इसके बारे में एक साइंटिफिक पेपर भी पढ़ा था। वहाँ के साइंटिस्ट लोग भी बहुत सारी टेस्ट सब्जेक्ट्स को लेके इसको एक्सपेरिमेंट सालों तक करके उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि डर्मा रोलिंग जब करते हो अपने स्किन पर, आपके स्किन पर होल्स हो जाता है। सो उसके तुरंत बाद आप मिनोक्सिडाइल लगाए तो आपकी मिनोक्सिडाइल सारे केमिकल जो है ना आपकी ब्लड स्ट्रीम पर, आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली चला जाएगा, तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आएंगे, अनवांटेड जगह पे बाल आने लगेंगे और आपके हार्ट रेट और भी स्लो हो सकता है और भी टायर्ड फील कर सकते हो।